अपनी गंदी हरकतों को लेकर हर रोज बदनाम हो रही है डीएमआरसी। मेट्रो ने लोगों को सुगमता तो दी लेकिन लोगों ने अश्लीलता परोस दी। मेट्रो से हर रोज आने वाली तस्वीरों ने देश के भविष्य को चिंतन में डाल दिया। मेट्रो से वायरल इस वीडियो को जिसने भी देखा उसी की आंखें शर्म से झुक गई। देश के इन युवाओं की शर्म को आखिर कौन हर ले गया? आखिर कब जीएमआरसी करेगी ऐसे लोगों पर कार्रवाई? दिल्ली मेट्रो पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही अश्लील हरकतों की वजह से सुर्खियों में है। कभी बिकनी गर्ल तो कभी टॉवेल बॉय, कभी झगड़े कभी रोमांस के चक्कर में दिल्ली मेट्रो का नाम लगातार बदनाम हो रहा है। डीएमआरसी पर लगातार ऐसी घटनाओं को लेकर कार्रवाई के बढ़ते दबाव के बीच फिर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो शर्मसार कर देने वाला है। इस बार एक कपल ने तो सारी हदें पार कर दी, जो खुलेआम मेट्रो में एक दूसरे को किस करते नजर आने का सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। लगता है दिल्ली मेट्रो अब अजीबोगरीब घटनाओं का और सोशल मीडिया वीडियोस का अड्डा बन गया है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि आए दिन मेट्रो के वीडियोस और घटनाएं इसकी तस्दीक करने के लिए काफी है। दरअसल दिल्ली मेट्रो का अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें मेट्रो की फर्श पर बैठा एक कपल एक दूसरे को किस करता नजर आया। एक दूसरे में डूबे कपल का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो को देख लोग शर्मनाक बता रहे हैं। वायरल वीडियो में एक नई उम्र का कपल मेट्रो की फर्श पर बैठा दिखाई दे रहा है। असल में लड़का फर्श पर बैठा हुआ है जबकि उसकी गोद में लेटी हुई है एक लड़की जिसे वो एक बार नहीं बल्कि बार बार चूमता नजर आया। आपको ये भी बताते चले कि मेट्रो के फर्श पर बैठना प्रतिबंध है जिसका कि ये कपल उल्लंघन कर रहा है। इस नजारे के सामने बैठी किसी यात्री ने अपने कैमरे में कैद किया जिसने सोशल मीडिया पर आते ही सनसनी मचा दी है। अब तक लोग मेट्रो में अजीबो गरीब डांस वीडियो और कपड़ों को लेकर ही वीडियो बना रहे थे लेकिन ये तो हद हो गई। ना शर्म, ना लो क्लास, ना लिहाज, ना समाज का डर, खुलेआम और धड़ल्ले से चल रही ये अय्याशी। वीडियो देखते ही आम लोग भड़क उठे। कपल को फटकार लगाने के साथ ऐसे युवाओं के पेरेंट्स को इन्हें सबक सिखाने की गुहार लगाई गई। वहीं बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स हैं जिन्होंने वीडियो पर मजे लेते हुए लिखा कि लड़की बीमार है और लड़का उसे CPR दे रहा है। तो वहीं कुछ लोगों ने लिखा है कि ऐसा मनमोहक हृदय को सुख देने वाला है दृश्य विदेश में भी दुर्लभ है। तो दूसरे ने लिखा कि इस दृश्य पर सबसे पहला विरोध आसपास बैठे लोगों में से आना चाहिए। क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है? जो एक ने GMRC से ही सवाल पूछ लिया कि आखिर ये GMRC वाले ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि इन युवाओं के लिए कोई दूसरी व्यवस्था कर देनी चाहिए ताकि पब्लिक प्लेस का माहौल सभ्य बना रहे। इस वीडियो को सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है और इस वीडियो को ट्विटर पर लाखों व्यूज मिल रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।